ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ ಉಚಿತ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಸ್, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚಿಸಬೇಕು. कोरोना संदर्भदल्ली बडवरिगे उचित अक्कियन्न कोट्टिद्देवे. इन्नु बीजेपी कार्यकर्तरिगे इदे संदर्भदल्ली मोदी एलेक्षन टास्क बग्गे कूड ओंदष्टु सूचनेगळन्न कोट्टिद्दारे. ई रीति माडबेकु मत प्रचार ई रीति कैगोळ्ळबेकु अन्नोदर कुरितागि हागे कर्नाटकक्के मुंदिन दिनगळल्ली योजनेगळु कूड बरलिवे अंत हेळि ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪಕ್ಷಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿವೆ ಅಂತ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಮೇನ್ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ ಉಚಿತ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. देश के 2,75,000 करोड़ रुपए, याद रखिए पौने 3 लाख करोड़ रुपए जो चोरी होते थे, गलत हाथों में चले जाते थे, भ्रष्टाचार होता था, वो पैसे बचा लिए गए जो आज गरीबों के, देश के युवाओं के काम आ रहे हैं. ये जनता के वो पैसे हैं जो बिचौलियों की जेब में चला जाया करते थे. हमने गवर्नेंस के हर क्षेत्र में स्केल, स्पीड, सोच और अप्रोच में आमूलचूल बदलाव किया है. आइए अब देखते हैं, 2 साथियों से बात हुई, अब तीसरा सवाल लेते हैं. सवाल मुझे चंद्रशेखर जी का है और चंद्रशेखर जी विजयनगर से हैं. उनका सवाल है कि आपने, ये मुझे पूछ रहे हैं, आपने हमेशा से कहा कि कर्नाटका रामदूत हनुमान की नगरी है और संस्कृति से भरे प्रदेश का देश है और विकास, देश के विकास में ये बहुत बड़ा योगदान देने वाला प्रदेश है. कर्नाटका की सॉफ्ट पावर में आप कितनी संभावनाएं देखते हैं? अगर मुझे एक वाक्य में कहना है चंद्रशेखर जी, तो मैं यही कहूंगा, मैं बहुत ही संभावनाएं देखता हूं. और इस अर्थ में आपका सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण लगता है. देखिए, भाषा, संस्कृति, साहित्य और इतिहास की गौरवशाली धरोहरों में कर्नाटक बहुत समृद्ध है. प्रतिक्षणद सुद्दिगागि जी कन्नड न्यूज़ ऐप डाउनलोड माडि. लाइव टीवी, लेटेस्ट अपडेट्स, एंटरटेनमेंट, लाइफ स्टाइल, टेक्नोलॉजी सुद्दि निम्म अंगैयल्लि.